स्वागत है आपका दी टॉप एंड दी बेस्ट पे। मैं आपको दिखाऊंगी अपने वार्डरोब में से कुछ अपनी फेवरेट साड़ीज। ये साड़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट कलर में हैं और इनके वर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड इस पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये साड़ी मैंने चांदनी चौक से ली थी अपने कजन की शादी में। इस साड़ी का जो ये मस्टर्ड येलो कलर है ये ऐसे पल्लू पर आता है एंड इट्स लुक सो क्लासी। और जो इसका ये वर्क है ये मटके वाला एंड दिस फ्लावर्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट्स सो यूनिक। और ये साड़ी दो कलर्स में ऐसे द पल्ला इज लाइक जो इसका पल्लू है वो मस्टर्ड येलो कलर में है और ये ब्लू कलर में है विद दिस काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो जब ये ऐसे फॉल पड़ता है इसका प्लेट्स पे इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड पल्ला इज लाइक प्लेन जस्ट द बॉर्डर वाला थिंग। द कलर आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जाता है। इसकी ब्लाउज इट्स सो डिज़ाइनर। मेरे टेलर ने इतने अच्छे से बना कर दिया था इसे पीछे नेट वेट लगा कर। ही हिमसेल्फ फाइंड सम नेट एंड ही डिड दिस डिज़ाइन एंड उसने ये बना के दिया था। आई लाइक दिस ब्लाउज का डिज़ाइन। ये साड़ी ली थी मैंने अपने भाई की शादी में। इसका जो ये वर्क है ये मुझे इतना अच्छा लगा था। दिस जो बॉक्सेस कह सकते हो क्या कह सकते हो दिस फिनिशिंग वॉज सो गुड। इस फिनिशिंग के चक्कर में ही मुझे ये साड़ी अच्छी लगी थी। इवन आई लाइक दिस कलर एज वेल। दिस इज अ डार्क ग्रीन कलर। दिस इज इन प्योर सिल्क में साड़ी है एंड ये मैंने ली थी पीतमपुरा से कहीं से। आई डोंट रिमेम्बर द शॉप का नेम। ये साड़ी कुछ 13,000 की थी। इसका ब्लाउज इज इन लाइक जैसे इसका ये वर्क है ऑरेंज के अंदर तो वो ऑरेंज ही इसका इट्स गिविंग इट्स कॉन्ट्रास्ट। हाँ इट्स गिविंग इट्स कॉन्ट्रास्ट। इसका बैक ऐसे है द सेम वर्क। ये साड़ी पहनने के बाद इट गिव्स लाइक ये साड़ी पहनने के बाद बहुत रॉयल लुक देती है। ये साड़ी मैं पहनना इसे पसंद करती हूँ जब कोई छोटा मोटा फंक्शन आता है जैसे किसी की एंगेजमेंट हो गई टीका हो गया तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है उस टाइम पे पहनने के लिए। ये नेट के अंदर साड़ी है और ये बीज और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन है। जो इसका सिक्विन है ये ज्योमेट्रिक शेप में और मैट सिक्विन है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो इसकी ये थ्रेडवर्क वाली कढ़ाई है तो ये मुझे ये इसका थ्रेडवर्क भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत एलिगेंट बहुत लाइट वेट साड़ी है ये। इसका ब्लाउज मैंने क्रॉप टॉप टाइप से बनवाया था। इट्स नॉट एक्चुअल ब्लाउज इट्स लॉन्ग वन। और इस साड़ी का ग्रेस ही इतना अच्छा था इसलिए मैंने इसे प्लेन रखा प्रेफर किया। अच्छा। मैं चाहती नहीं थी इस साड़ी का लुक कहीं और जाए तो इसलिए वॉट आई डिड जो इसकी लेस थी बस वो पीछे से सेंटर में लगवा ली। ये साड़ी सिल्क में है। दिस इज इन रॉ सिल्क पता नहीं हैंडलूम सिल्क करके कुछ उसने बताया था। इसका पहनने के बाद फॉल बड़ा अच्छा आता है और इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट ब्लू और पिंक का ये बहुत अच्छा लगता है। पिंक कलर वो होता है कि इसे ज्यादातर लेडीज पसंद करती है पहनना सबको अच्छा लगता है। एक जो इसका बॉर्डर है वो ऐसे वर्क और थ्रेड वर्क का मिक्स है और दूसरे वाला जो बॉर्डर है वो सिर्फ ऐसे ही वर्क का है। और इसका ब्लाउज इज सो स्टाइलिश। इट्स फुल ऑफ दिस वर्क का और इसके यहाँ पर वी शेप के अंदर ऐसे थ्रेड वर्क है बैक के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे इतना प्यारा कट है और यही थ्रेड वर्क है। ये पहनने के बाद इसका ब्लाउज बहुत हैवी लुक देता है। साड़ी पूरी प्लेन है बस इसके अंदर बॉर्डर है तो वो ब्लाउज उसे पूरा एक फिनिश लुक देता है। ये वाली साड़ी फिर से ग्रीन कलर में है। ये मैंने बहुत पहले ली थी थोड़ा टाइम हो गया इसे और ग्रीन और मरून का कॉम्बिनेशन है ये साड़ी के अंदर। इसका जो ये बॉर्डर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका वर्क भी मुझे अच्छा लगता है। इसका जो ब्लाउज है वो भी इसी कलर में है तो ये मोनोक्रोमेटिक लुक देता है। ये जो साड़ी ये पिंक और ये क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में है। इसका पिंक कलर है ये पल्लू पर आता है। जो इसका क्रीम कलर है इस क्रीम कलर का इसका वो है नीचे की प्लीट्स है। बॉर्डर है वो रेड कलर के अंदर है और इसके अंदर ऐसी छोटी छोटी बूटियां हैं बीच बीच में जो कि जब पल्लू पर आती हैं तो बहुत अच्छा लुक देती हैं। और जो इसके प्लीट्स का ये क्रीम कलर वाला है उसके अंदर बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। नहीं दिख पाएगा
इसके अंदर बहुत अच्छा ऐसे वर्क किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट नेट्स लगे हुए हैं, कोई सिक्विन वाला, कोई थ्रेड वर्क वाला, इसके अंदर दो तीन तरह के बॉर्डर हैं, तो ये अलग सा लुक देती है। ये साड़ी फिर से एक सिल्क साड़ी है, इसके अंदर ये छोटे छोटे यहाँ पर डॉट्स वाला वर्क है, नीचे ये मजेंटा कलर का इसका बॉर्डर में वर्क है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स अ ग्रीन एंड सी ग्रीन, इट्स अ सी ग्रीन कलर, इसके अंदर जो शाइन है वो बहुत अच्छी है। इसका ब्लाउज, इस साड़ी का कलर इतना अच्छा था तो इसलिए मैंने इसका ब्लाउज बहुत प्लेन रखा, बस इसका जो नॉर्मल आया था वो ही मैंने इसका कैप स्लीव्स में बनवा लिया। ये मेरी साड़ी बनारसी सिल्क में है, ये ग्रीन और पिंक और ग्रे के कॉम्बिनेशन में, इसका जो ग्रे कलर का बेस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसका जो ये बनारसी सिल्क वाला कपड़े, जो ये धागों का काम होता है, जरी का जो काम होता है, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका। ये इसका ब्लाउज भी इसी पिंक कलर में है, और इसके टैसल्स, इसके टैसल्स ये ग्रे और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है, जो पिंक कलर इसके टैसल्स में है वैसी ही कलर का मैंने इसका ब्लाउज स्टिच करवाया था। अब मैं आपको अपनी दो इंग्लिश कलर में साड़ियां दिखाती हूँ, एक ये और एक जो मैं इससे नेक्स्ट दिखाऊंगी वो, ये इंग्लिश पिंक कलर है, मुझे इसका वर्क बहुत ही अच्छा लगता है, इस रेड कलर के थ्रेड से इसके अंदर पिंक कलर के इसके अंदर पर्ल्स का काम किया हुआ है, और जो इसका मिरर कट हुआ हुआ है वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसका ब्लाउज बिल्कुल ऐसा रेड कलर में है विद द सेम वर्क, इसका कलर और वर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये है मेरी दूसरी इंग्लिश कलर वाली साड़ी, ये लाइट ग्रीन, इंग्लिश ग्रीन कलर के अंदर है, और पेस्टल ग्रीन जो होता है उसके अंदर जो इसका वर्क है, ये थ्रेड और रबर प्रिंट का मिक्स है, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और जो इसके अंदर सरवोश्की का काम हुआ है, ये जगह जगह सरवोश्की लगाई हुई है इसके अंदर ऐसे, वो और भी अच्छी लगती हैं। और जो इसकी लेस है, इसके अंदर मिरर और सरवोश्की का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको एक वेस्टर्न लुक के अंदर शाइन देता है, अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने अपना ब्लाउज इतना इंटरेस्टिंग बनाया था, इसके अंदर यहाँ पे एक बो है, और मेरे टेलर ने इसे अच्छे बनाने के लिए इसके ऊपर पूरा सरवोश्की का काम किया था। अब नेक्स्ट साड़ी है मेरी रेड कलर की, ऐसी तो कोई भी फीमेल औरत नहीं होती है जिसकी कलेक्शन के अंदर रेड कलर की साड़ी ना हो, तो इस रेड कलर की साड़ी के अंदर मेरे में नीचे एक बॉर्डर लगा है फ्लोरल कलर का, जो कि इसे दूसरी रेड साड़ी से, जो टिपिकल रेड साड़ी होती है उससे बहुत डिफरेंट लुक देता है, और दूसरा बॉर्डर इसका ब्लू कलर के वेलवेट में है, और इसके अंदर कुछ कुछ वर्क किया हुआ है। इसका ब्लाउज भी ऐसे ही फ्लोरल कलर के अंदर है, दिस इज फ्लोरल कलर का ब्लाउज, और इसका कॉलर के ऊपर ब्लू वेलवेट का वर्क किया हुआ है, जो कि आपको हैवी एथनिक लुक देता है। ये साड़ी मेरी मस्टर्ड येलो कलर के अंदर है, इसके चारों तरफ पिंक कलर का बॉर्डर्स है, पिंक कलर के टेसल्स है, इसका वर्क जो है वो ग्रीनिश और पिंक कलर के अंदर है, ये क्रेप में साड़ी है, तो क्रेप की साड़ी का तो जब हम इसे ड्रेप करते हैं ड्रेप बहुत अच्छा आता है, इट फिट्स योर बॉडी, बहुत अच्छे से ये आपकी बॉडी का या आपका फिगर अच्छा अच्छे से एनहांस करके दिखाता है। हाँ, क्रेप का ऐसी ठीक है, तो ये आपका फिगर बहुत अच्छे से एनहांस करके दिखाता है, और इसका ब्लाउज भी बहुत ही अच्छा है, इसका ब्लाउज ऐसे गोल्डन कलर के अंदर है, जिसके अंदर सारा फ्लावर वर्क हो रखा है विद द सेम, इसके साथ ही पिंक और ग्रीन वाला जो इसका वर्क है, इसकी फिनिश बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसके अंदर जो हैंड वर्क हुआ हुआ है बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।